हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सरकार वेतन बढ़ाने के लिए राजी हो गई है। 23 मई से पहले मिलेगी आपकी बड़ी खुशखबरी, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप इस घंटे के निशान को नहीं दबाते, नहीं प्रेस करते हैं तो आप तक हमारा कोई भी वीडियो नहीं पहुँचेगा, इसलिए इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको लेकर चलते उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं 7PCC से लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है आज की। वेतन बढ़ाने के लिए सरकार राजी, 23 मई से पहले मिलेगी खुशखबरी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय जल्दी एक बड़ा फैसला कर सकता है। इस फैसले के कारण 9 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को लाभ मिलेगा। सरकार लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने से पहले यानी 23 मई से पहले यह फैसला ले सकती है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन में इजाफा कर सकती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है, सरकार उनका बेसिक वेतन बढ़ाने के लिए राजी हो गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने ये संकेत दिए हैं कि BSF, CISF, ITBP और सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारियों की लंबे समय से चलती आ रही मांग जल्द पूरी हो सकती है। इसके तहत केंद्रीय सशस्त्र बलों के 9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल लंबे समय से अर्धसैनिक बल की केंद्र से मांग थी कि राशन मनी अलाउंसेस और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस पर लगने वाले करों को माफ किया जाए। हालांकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा इस सेवा पर जारी कई शर्तों के कारण ये लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, दिल्ली पुलिस, IB, ANA और N पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियनों के कर्मियों के गैर राजपत्रित कर्मियों की सभी कर्मी जो मैस में भोजन नहीं करते हैं, राशन मनी प्राप्त करते हैं, गैर राजपत्रित कर्मियों के लिए इस भत्ते की मौजूदा राशि 95.52 रुपये प्रतिदिन, जबकि राजपत्रित कर्मियों के लिए 79.90 रुपये प्रति दिन है। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार फैसला ले सकती कि इन कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग मान ली जाए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि वेतन द्वारा की गई सिफारिशों में कुछ सुधार किया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.58 से बढ़ाकर 3.68% किए जाने की मांग की जा रही है। सरकार अर्धसैनिक बलों के तहत BSF, CISF, ITBP और सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारियों के साथ ही BSNL के कर्मचारियों को इस मांग को मानकर उनकी बेसिक वेतन में इजाफा कर सकती है। इस पर फैसला 23 मई से पहले लिया जा सकता है। ये सभी न्यूज़ जो भी आ रहा है, जितने भी सशस्त्र बल हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन सभी के लिए आ रही है और साथ ही साथ जो BSNL के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए है। तो 23 मई से पहले उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो much